Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. Today is I video for class 6, subject SST, chapter 2, from hunter gatherers to farmers. Page number 20 से हम आज continue कर रहे हैं. Page number 20 पे third paragraph दे रखा है, Neolithic sites in the northwest, case study मेहरगढ़. ठीक है, किसकी केस स्टडी कर रहे हैं हम? मेहरगढ़ की. कहाँ पर है ये? नॉर्थ वेस्ट के अंदर. कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर. कौन सी साइट्स है? नियोलिथिक साइट्स, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर नवपाषाण काल की. कौन सी साइट है? नॉर्थ उत्तर पश्चिम के अंदर नवपाषाण काल की साइट है और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. उस जगह पर क्या नाम है? मेहरगढ़ उसका नाम है. ठीक है, मेहरगढ़ लोकेटेड इन द काची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान इज अ नियोलिथिक साइट ड्यूरिंग 7000 to 3200 BCE. बलूचिस्तान जो कि क्या है प्रेजेंट के अंदर, कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है. बलूचिस्तान एक जगह का नाम है जो कि आज के दिन में या प्रेजेंट डे में वो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है. ठीक है, के कांची मैदान में. बलूचिस्तान का जो कांची प्लेन है यानी कि कांची का जो मैदान है वहाँ पर एक जगह का नाम स्थित है. कौन? मेहरगढ़. ठीक है, और एक नवपाषाण काल जगह है जो क्या है 7000 से लेके 3200 ईसा पूर्व की जगह है वो. ठीक है, इतनी पुरानी उसकी बात मानी जाती है. दिस साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया. कौन मानता है ऐसा? ऐसे एविडेंस है यानी कि ऐसे प्रूफ है या ऐसे सबूत मिले हैं प्राचीन समय में कि यहाँ पर क्या किया जाता था, खेती की जाती थी और पशुपालन किया जाता था. कहाँ पर? इन साउथ एशिया. साउथ एशिया के अंदर क्या किया जाता था कि ये साइट में दक्षिण में खेती और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य दिखाई देते हैं ऐसे साउथ एशिया के. ठीक है, द साइट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स बिगनिंग फ्रॉम द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड डेटिंग टू अबाउट 7000 BCE. कब है? इस साइट को कितने 7 अवधियों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया यानी कि बांटा गया है. पहले क्या होते थे? मिट्टी के बर्तनों से ये क्या हुआ था, काल शुरू हुआ था. किससे? पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तनों से. और लगभग कितना 7000 ईसा पूर्व तक ये चला था. और कौन मानता है? आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि 2000 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व कितना 2000 BCE and 2500 BCE के बीच का ये क्या है, इस टाइम को क्या कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया. कितना मानना है फिर? पहले से अभी मैंने आपको बताया था 7000 से लेकर 3200 के बीच का माना गया है. किसका छोड़ा है टाइमिंग? 2000 से लेकर 2500 BCE के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर दिया गया है, किसी साइट को उस समय छोड़ दिया गया है. ठीक है, एक्सकेवेशन एट दिस साइट हैव शोज एविडेंस ऑफ अ रेगुलर ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसिशंस फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. ऐसा माना जाता है कि इस जगह में एविडेंस ऐसे प्रूफ मिले हैं क्या कि फसलों की खेती क्या हो गई थी, संक्रमित हो गई थी. किसी से क्या हो गया था उनको? संक्रमण, इन्फेक्शन हो गया था. तो ऐसा भी, और किसका शिकार किया गया है बल्कि लोगों का, जानवरों का, पशुओं का शिकार करके क्या किया गया, उसको इकट्ठा किया गया, संग्रह किया गया है. और ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसी साइट से मिले हैं. कौन सी साइट से? नियोलिथिक साइट से. ठीक है, फिर है द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ग्रू बार्ली वीट डेट्स फिग एंड हर्डेड कैटल गॉड्स एंड शिप. कौन कौन थे इसमें? जो पहले के जो यहाँ पर लोग रहने वाले थे, निवासी जो थे, जौ है, गेहूँ है, खजूर, अंजीर, ये क्या करते थे? उनकी कृषि करते थे यानी कि ये उगाते थे. और गाय, बैल, बकरियाँ और भेड़ बकरियाँ क्या करते थे? ये चराते थे, पशुपालन करते थे. तो पशुओं के अंदर कौन कौन थे कि गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरियाँ, इनका वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे. दे लिव्ड इन मड ब्रिक्स हाउस एंड यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड बॉन्स. वो किसके कैसे घरों में रहते थे? मड ब्रिक्स यानी मिट्टी की ईंटें जो बनी हुई होती है उनके घरों में रहते थे. पत्थर और हड्डी से बने औजारों को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे. ठीक है, द लेटर सेटलमेंट शोज एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग टैनिंग एंड मेटल वर्क. और बाद की बस्तियाँ, जो बाद में जो सेटलमेंट हुआ था, जो बस्तियाँ थी उनसे क्या पता चलता है कि मन के बनाना और उनको बेचना और धातुओं की चीज़ें बनाना ये वो क्या करते थे? काम करते थे. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए.
handmade pottery developed to 6000 BCE terracotta figuring and pottery having beautiful geometric designs bed ornaments sea shell and lapis lazuli jewelry have been found at this site हाथ से बने हुए हैंडमेड का मतलब हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का डेवलपमेंट कब हुआ था कब इनका विकास हुआ था 6000 ईसा पूर्व BCE का मतलब ईसा पूर्व ठीक है 6000 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था विकास हुआ था ठीक है और इसी जगह पर टेराकोटा की भी क्या बनाई गई थी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी और फिर उनके ऊपर डिज़ाइन और फिर जो आभूषण होते हैं मन के वगैरह और समुद्र पे जो आपको पता होता है जो शैल मिलता है उनसे और लैपिस लाजुली इन सब से क्या बनाई गई थी ज्वेलरी बनाई गई थी और इसके भी क्या मिले हैं उनको इनके एविडेंस मिले हैं ठीक है इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर एविडेंस ऑफ एडवांस टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विकास का जो लास्ट स्टेप जो था जो अंतिम चरण था उसके अंदर वापस कोई भी चीज़ का वापस निर्माण किया गया था तो ऐसी क्या चली गई थी उसमें प्रोसेस चली गई थी प्रक्रियाएं चलाई गई थी और बहुत लंबी दूरी तक क्या किया गया था व्यापार के लिए क्या तकनीकें निकाली गई थी इसके भी क्या मिले हैं एविडेंस मिले यानी कि प्रमाण मिले हैं अब आता है केस स्टडी बुर्ज होम ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हैव अ नाइस डे थैंक यू